हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगा दो ऐसे टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि नेचुरली हमारे शरीर में जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, जो लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, शरीर का साइज और मसल को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें जरूर पता होगा कि मसल गेन करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए हमारे टेस्टोस्टेरोन का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो दोस्तों, यदि आपको पता नहीं है कि ये टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, तो दोस्तों यह एक मेल हार्मोन है जो कि पुरुषों में पाया जाता है। यह हमारी बॉडी की ग्रोथ, साइज, मसल्स, हेयर्स, ताकत, स्टेमिना, ये सभी बातें यह टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। तो यदि आपके टेस्टोस्टेरोन कम है तो ना तो आपकी बॉडी बनेगी ना मसल्स बनेगी। यदि आप जिम जाते हैं, डाइट लेते हैं तो भी उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा यदि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। तो दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, आइए जानते हैं। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए मैं आपको आज दो ऐसी हर्ब्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो कि आपको 150 रुपए के अंदर मिल जाती है और उनका काम इतना अच्छा है कि महंगी से महंगी टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट की दवाइयां होती हैं उन्हें भी यह पीछे छोड़ देती हैं, क्योंकि जो महंगे महंगे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आते हैं उनके फायदे इतने नहीं मिलते। तो दोस्तों, वे दो हर्ब्स कौन सी हैं, उनके क्या फायदे हैं, उन्हें आपको सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, आइए जानते हैं। दोस्तों, पहली हर्ब जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बढ़ाने का काम करती है वह है गोक्सुरा। दोस्तों, गोक्सुरा जिसे गोखरू भी कहा जाता है एक ऐसी हर्ब है जिसे कि आयुर्वेद में बहुत ही ताकतवर माना गया है। दोस्तों, गोक्सुरा में ऐसे ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को स्वाभाविक रूप से बढ़ाने का काम करते हैं। तो यदि आप गोक्सुरा का हमेशा इस्तेमाल करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 100% बढ़ेगा और आप पहले से ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करेंगे। और तो और, यह सप्लीमेंट एकदम नेचुरल है और जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं यह हिमालय का गोक्सुरा है जो कि एकदम सस्ता है। इसकी कीमत है 147 रुपए जिसमें आपको 60 गोलियां देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार यदि आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग सप्लीमेंट के रूप में गोक्सुरा लेते हैं तो यह आपको बहुत ही सस्ता पड़ेगा। यह आपके शरीर को ताकतवर बनाने, मसल बिल्डिंग के प्रोसेस को तेज करने, शरीर में शक्ति को बढ़ाने, एक्सरसाइज स्टेमिना बढ़ाने और वजन को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही फायदा करने का काम करता है। बात करें कि आपको गोक्सुरा का इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपको उसे खाना खाने के आधा से एक घंटे बाद यूज करना है। आप इसे पानी या फिर दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 दिन तक यदि आप इसे कंटिन्यू लेते हैं तो आपको विजिबल बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार पहली हर्ब के रूप में तो आपको गोक्सुरा का इस्तेमाल करना है, पर इसके साथ ही दूसरी हर्ब जो कि इसी के समान ताकतवर हैं और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने का काम करती हैं, शरीर के साइज को बढ़ाने में और स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करती हैं, वह है अश्वगंधा। दोस्तों, आपने अश्वगंधा का नाम जरूर सुना होगा, इसे इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। यह हर्ब पुराने समय से ही शरीर में ताकत को बढ़ाने और हर तरह की कमजोरी को दूर करने के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल पुराने टाइम से ही होता रहा है। दोस्तों, अश्वगंधा में ऐसे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर में ताकत को बढ़ाने, स्ट्रेंथ को बढ़ाने, स्टेमिना को बढ़ाने का काम करते हैं। अश्वगंधा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए तो विशेष रूप से फायदा करने का काम करता है। इसीलिए आप किसी भी टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्टिंग सप्लीमेंट को देख लें, उसमें अश्वगंधा मिला होगा ही होगा, क्योंकि आयुर्वेद में ताकत को बढ़ाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा को सबसे ज्यादा कारगर जड़ी बूटियों में से एक माना गया है। यह एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को बढ़ाने, एंड्योरेंस को बढ़ाने, फैट लॉस के प्रोसेस को तेज करने, फैट लॉस करने, मसल मास को बढ़ाने का काम अश्वगंधा करता है। तो यदि आपके बॉडी नहीं बन रही है, शरीर का साइज गेन नहीं हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें कि आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा का इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में, तो आपको 5 से 6 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण लेनी है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे यह पतंजलि की अश्वगंधा चूर्ण है, तो आपको 5 से 6 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण लेनी है। इसे आपको 150 से 200 ml दूध के साथ आपको मिक्स करना है। दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद इसका यूज करना है। तो दोस्तों, ये तो थी दो हर्ब्स जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने का काम करती है। आपको इन दोनों हर्ब्स का एक साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि यदि आप इनमें से किसी एक हर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पूरे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि जैसे कि यदि आप सोचते हैं कि आप सिर्फ गोक्सुरा या फिर सिर्फ अश्वगंधा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे,
जितने कि इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से मिलेंगे। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों हर्ब्स का इस्तेमाल एक साथ करें। तो आपको करना यह है कि पहले आपको दूध के साथ अश्वगंधा लेनी है, उसके बाद आपको इस पर एक गोली घोक्सरा की भी लेनी है। तो ऐसे आप दिन में दो बार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप अश्वगंधा चूर्ण का इस्तेमाल करें और उसके ऊपर आप एक गोली घोक्सरा की ले सकते हैं। यह कॉम्बिनेशन यानी यह घोक्सरा और अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन आपको कई सारे फायदे देने का काम करेगा, जैसे कि यह नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। यदि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो उसे बढ़ाएगा, यदि नॉर्मल है तो उससे भी ज्यादा बढ़ाने का काम करेगा। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो, जो कि था दो सबसे बढ़िया टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग हर्ब्स के बारे में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।